हाँ वो तो सही है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आप उनको कितना क्रेडिट देंगे, कितना परसेंट। देखिए मैं इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये पार्टी का डिसीजन है। दीदी और अभिषेक बनर्जी कहेगा, मैं सीनियर हूँ पार्टी में, बहुत सीनियर हूँ, मैं जानता हूँ और मेरा बात सब सुनता है। दीदी भी, अभिषेक भैया भी और पांचोदा बुक्सीदा भी सुनता है मेरा बात, और पूरे बंगाल के लोग, पूरे हर लोग जानते हैं मेरा कितना सम्मान है पार्टी के अंदर। लेकिन मैं नहीं कहूंगा, जो बात कहना चाहता हूँ, जो जो गलती किया भाजपा, मोदी जी को मैं कितना सम्मान करता हूँ, एक देश के राजा है, उन्होंने जो गलती किया, अमित शाह जेपी नड्डा का बात सुन के खुद का बदनाम कर दिया मोदी जी, इतना डेलीपेशन जी ने किया, 40-50 एक राज्य विधानसभा चुनाव का 40-50 प्रोग्राम करके चला गया मोदी जी खुद का बदनाम खुद कर दिया, उनका पार्टी के लोग उनको बदनाम कर दिया मोदी जी को। और अमित शाह को मैं कह रहा हूँ 10 साल क्या 2 दिन के जो बात दिखे, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी को मुख्य चेहरा बना के, या मोदी जी को इतना ज्यादा वहां पर प्रचार नहीं करना चाहिए था, ये एक रणनीतिक, ये रणनीति के देश के राजा है। ठीक है, मैं हमारे साथ के शर्मा साहब जुड़ रहे हैं बीजेपी के, के शर्मा, ये रणनीति के तौर पर चूक हुई है के शर्मा साहब, इनका कहना बादल साहब का कि मोदी जी के प्रधानमंत्री हैं, उनको एक राज्य के चुनाव में, खासकर पश्चिम बंगाल के चुनाव में इतना नहीं झोंकना चाहिए था बीजेपी को, ये रणनीतिक भूल हुई है, ये बादल देवनाथ साहब का कहना, आपका क्या कहना है इस पर? किशोर जी, बादल जी क्या कहते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, बादल जी क्या कहते हैं, रणनीतिक सवाल की बात, वो रणनीति सवाल उनकी छोड़ दीजिए, उनकी समझ पे मैं बहुत प्रश्न नहीं उठाऊंगा। आपको इनके पास उनके स्तर का कोई नेता ही नहीं है तो यह बात क्या करेंगे। इनको चिंता करनी चाहिए ममता बनर्जी की, कि जिसके नाम पर ये चुनाव लड़ रहे थे, जिसके नेतृत्व पे चुनाव लड़ रही है, अभी 3 चरण के 4 चरण के जो अभी जो परिणाम है, अभी जो परिणाम सामने है, उसमें वो 13,000 वोट से पीछे जा है, जो मेन इनकी लीडर है, तो वो जब 13,000 वोट से शुरुआती चरण में पीछे चल रही है, तो उससे आप क्या, अब इनको बीच में मत बुलवाइए ना। एक मिनट सुनने तो दीजिए केके जी को। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है उसका ज्ञान न दे, और मेरे सामने, मैंने कई किशोर जी अलग अलग कई चैनलों के मैं आंकड़े देख रहा हूँ, हम जो है 113 सीट तक, अभी आपने कहा कि हमने 100 के आंकड़े पार नहीं किए, आपके चैनल में पता नहीं क्या आई होगी, मुझे नहीं जानकारी, उस फीडबैक में थे, अभी फिर कुछ कम हुए, लेकिन अभी ये बहुत शुरुआती चरण है, ये मात्र वहां पर 1.5 कुल 2 चरण भी के मतगणना पूरी नहीं हुई है, पहले पोस्टल बैलेट होते, इसके बाद जो है 1-2 चरण के जो है वहां मतगणना हुई है, से इस बार जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से ये लगभग ये जो है मतगणना होगी, और उसमें अभी आप देखेंगे बहुत कुछ ट्रेंड बदलेगा, अभी इतनी जल्दी सीटी बजाने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा नहीं, के साहब, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं, देखिए हमारे पहले नौटंकी सीटी बजाकर ये सब, ये जो कर रहे हैं बादल जी, यही नौटंकी पट्टा बांध के किया था, यही नौटंकी पट्टा पैर में बांध के किया था जो एक्सपोज हो गई। अच्छा एक मिनट, देखिए चुनाव हो चुका के साहब, मेरा एक सवाल के साहब, मेरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि ये पूरा उलट फेर हो जाएगा, आगे के राउंड की काउंटिंग में बीजेपी आगे निकल जाएगी, हो भी सकता है, संभव तो है, क्योंकि अभी बहुत राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है, लेकिन मेरा ये सवाल ये कि ये आप क्यों ऐसा मान रहे हैं कि अभी वाले राउंड जो हुए हैं वो आपके नहीं थे और आगे वाले राउंड जो हैं वो आपके होंगे, किस आधार पर हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं? नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि मतगणना को आगे बढ़ने दीजिए, अभी के राउंड, और राउंड तो क्या होता है कि जब ये, यदि आप पूछते कि किस क्षेत्र में आप आगे हैं, किस क्षेत्र में पीछे हैं, तब एक अलग विषय होता। राउंड का इशू ये है कि जब शुरुआत होती है, जब मतगणना की, तो कहीं वोट कम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं, लेकिन हमको इसलिए इस बात का विश्वास है जनता के, उसमें किशोर जी मैं थोड़ी सी भूमिका के साथ जाऊंगा आपको, इसके साथ एक आधा सेकंड का समय लूंगा आपसे। देखिए 2016 जब हम विधानसभा चुनाव लड़े थे, और उस चुनाव में उस समय के तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह,
जिस ढंग से वहां पर हमने मैनेजमेंट स्टार्ट किया और चुनाव और जो जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाई, जिस ढंग से छोटे छोटे समुदायों को मिलाकर उनके साथ संपर्क और संवाद बढ़ाकर हमने जमीनी स्तर पर काम किया, उसका परिणाम हमको मिला 2018 में। 2018 के जो पंचायत चुनाव थे जहां पर लोग कैंडिडेट फार्म नहीं भर पा रहे थे, उस दौरान भी हम वहां सबसे दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरे और एकदम से हमने उस समय भी तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दिया। यही 2019 का चुनाव का परिणाम देखिए, 2019 के परिणाम में भी यही जो लोग थे, जो बादल जी जैसे लोग जो कहते थे एक सीट भी ना पावे दादा, एक सीट भी नहीं, ये कहते थे। और क्या स्थिति हुई, हम 18 सीट जीत के आए 42 में से। और इसके बाद फिर जब 2019 के बाद अभी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब के नेतृत्व में जिस ढंग से वहां पर जमीनी काम हम लोगों ने किया है और जिस ढंग से जनता का हमें वहां समर्थन मिला है, जितना उत्साह हमने देखा है पब्लिक के बीच में और जितना शोषण जो है ममता बनर्जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया और तुष्टिकरण की नीति अपनाई, उसी का परिणाम है कि अब हमको वहां की जनता जो है, इतना 3 विधायक थे हमारे, 3 विधायक थे। ठीक है साहब।